सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के कुछ बेसिक पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक का मतलब होता है कोई चीज बन रही है, तो फोटोसिंथेसिस में शुगर बन रही है, यस। और ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। एनसीईआरटी ने जो ब्रीदिंग है ना, जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन पढ़ते हो, वो भी फिजिको केमिकल है। फिजिको केमिकल का मतलब गैसेस एक्सचेंज भी होता है और कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यस। क्या ये सेलुलर प्रोसेस है? हाँ, क्योंकि ये किसके अंदर होता है बेटा? ये सेल के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये रिडक्शन है? यस। CO2 से ग्लूकोज बनना क्या है? रिडक्शन है। क्या इसमें ऑक्सीजन बनती है? ये सोचो, क्या इसमें ऑक्सीजन बनती है? यहां पे जैनिक लिखा है, जैनिक मतलब बनती है, यस। यहां पर आपके पास एक खास तरह का फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, पीएस टू, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है और ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है, यस 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 यस। तो क्या ये सारे पॉइंट याद हो गए? फोटोसिंथेसिस सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑक्सीजन बनती है। ये कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यस। एनाबोलिक है, चीजें बन रही हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस जो था बेटा, उसके जो स्टेप्स थे, ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर डिस्कवर किए। फोटोसिंथेसिस में आपको क्या क्या चाहिए? सर बचपन में पढ़ाया था, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? CO2 चाहिए। क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी, स्टार्च बनेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स थे, वो 18th सेंचुरी से उन स्टेप्स के बारे में पता चला। तो तुम्हारे सिलेबस में 6-7 एक्सपेरिमेंट है, उनके मेन मेन पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आएगा। वो एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास है वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? ये दो एक्सपेरिमेंट कहता है कि सर हमने क्लास 10th में पढ़ा दिए थे ये दो। इसमें आपको ये समझना है कि हमारे पास एक लीफ है, उसको मैंने पार्शली कवर किया है, किससे? ब्लैक पेपर से। मेरे पास एक लीफ है, उसको मैंने पार्शली कवर किया है ब्लैक पेपर से। तो जो पार्ट कवर नहीं है उसमें मुझे क्या दिखेगा, बताओ? उसमें मुझे क्या दिखेगा? सर उसमें मुझे स्टार्च दिखेगा। तो आपने ध्यान रखना है, एक लीफ जो आधी कवर है ब्लैक पेपर से, जो एक्सपोज पार्ट है वहां क्या दिखेगा? स्टार्च। याद हो रहा है? लीफ आधी कवर है किससे? ब्लैक पेपर से। जो पार्ट कवर नहीं है उसमें क्या दिखेगा, बता जल्दी से, जल्दी बता। स्टार्च दिखेगा। पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया? या मनी प्लांट में हरी, येलो और ग्रीन एरिया होता है, स्टार्च कहां दिखेगा? स्टार्च दिखेगा ग्रीन एरिया में, यस। तो इससे क्या पता चला? ग्रीन एरिया स्टार्च बनाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है KOH को लेके। KOH क्या करता है बेटा? हमने कॉटन में KOH रख दिया है। KOH क्या एब्जॉर्ब करता है? CO2 एब्जॉर्ब करता है। तो जो एक्सपोज पार्ट है, ये जो बाहर है पार्ट, यहां पर मुझे क्या दिखेगा? स्टार्च अपीयर होगा। तो यहां से एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि KOH क्या एब्जॉर्ब करता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा, यस और नो। और CO2 चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है CO2 चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ग्रीन एरिया फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्लास 12th में दे रखे हैं। प्रिस्ली नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में, उसे कहते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया था, एक माइस लिया था ग्लास के जार में और कैंडल लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि माइस मर गया और कैंडल बुझ गई। फिर उन्होंने एक मिंट प्लांट लिया, मिंट क्या होता है? पुदीने का प्लांट लिया, जिसने क्या करी बेटा, जिसने रेस्टोर करी, रेस्टोर मतलब एयर की क्वालिटी को रेस्टोर किया, जो कैंडल और माइस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। याद हो रहा है? तो पहले दो एक्सपेरिमेंट याद हो गए। पहले में क्या था, कवर किया एक्सपोज पास, स्टार्च दिखाएगा। दूसरे में KOH क्या एब्जॉर्ब करता है? CO2 करता है। प्रिस्ली का बेलजार एक्सपेरिमेंट, ईयर 1770, उन्होंने बताया कि मिंट प्लांट एयर क्वालिटी रेस्टोर, वापसी लाता है जो किसने खराब कर दिया है, कैंडल ने, और किसने, किसने, कैंडल ने और हमारे पास माइस ने। अगला एक्सपेरिमेंट है इंगेनहाउस का। इंगेनहाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट एक बार दिन में करके देखा और एक बार रात में। कौन सा सेम एक्सपेरिमेंट? प्रिस्ले वाला, यस। उन्होंने देखा कि यदि कोई एक्वेटिक प्लांट है, जैसे मान लो मैंने ये कोई एक्वेटिक प्लांट ले लिया, ये जो एक्वेटिक प्लांट है इस पे हमारे पास अगर ऐसे लाइट पड़ेगी तो ग्रीन पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, जहां पे ब्राइट लाइट पड़ेगी? ऑक्सीजन। तो इंगेन हाउस के दो काम याद करने हैं, इंगेन हाउस के दो काम याद करने हैं। पहला काम क्या है बेटा? पहला काम क्या है कि एक्सपोज पार्ट जो है, जो लाइट को एक्सपोज होगा, वो ऑक्सीजन बनाएगा। दूसरा, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को दिन और रात में। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि एक्वेटिक प्लांट का ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन बनाता है, किसने दिया?
इन ग्रीन हाउस ने, एयर क्वालिटी रेस्टोर करता है मिंट प्लांट, किसने दिया, प्रिस्ली ने। यस, अगला एक्सपेरिमेंट, अगला एक्सपेरिमेंट है वॉन सैक का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, वॉन सैक सेकंड चैप्टर में था, वो डिलीट हो गया मिनरल न्यूट्रिशन। यहां पर वॉन सैक ने क्या बोला, वॉन सैक ने बोला जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें मेरे पास एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें ग्रीन केमिकल होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन प्लांट में ग्रीन स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और एक ग्रीन केमिकल है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। दूसरा उन्होंने बोला कि प्लांट में शुगर और स्टार्च बनता है जब प्लांट ग्रो करता है। तो अपने दिमाग में क्या बिठाना है, वॉन सैक ने बात करी ग्रीन स्ट्रक्चर की, ग्रीन केमिकल की, जब प्लांट ग्रो करेगा तो स्टार्च और शुगर बनेगा। याद हो रहे एक्सपेरिमेंट, क्या ये पांचों एक्सपेरिमेंट याद हो गए, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 चैट में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बेटा जल्दी। पहला कवर पार्ट, एक्सपोज पार्ट क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। दूसरा कॉटन क्या एब्जॉर्ब कर रही है, CO2 एब्जॉर्ब कर रही है, तो CO2 नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। पिछली में ये वाली बात याद रखनी है, सेम एक्सपेरिमेंट एक बार दिन में किया, एक बार रात में किया। दूसरा एक्वेटिक प्लांट में अगर मैं एक्सपोज करूंगा लाइट को तो क्या होगा, ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ बेटा।